वेलकम स्टूडेंट्स, नेट 2016 का एक क्वेश्चन, टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन द स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपीटी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर एंड एक्स क्यू टी इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर। ऐसा कौन सा टाइम होगा जब वेलोसिटी सेम होगी? तो देखो, हम पहले भी सीख चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो चलिए बोर्ड पर इसका आंसर निकाल। देखिए, p के लिए वेलोसिटी की हम बात करें, वेलोसिटी ऑफ p एट टाइम t एंड वेलोसिटी ऑफ q एट टाइम t बोथ विल बी इक्वल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब xpt एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट xqt। डिफरेंशिएशन हम कह सकते हैं at plus bt स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन एफ टी माइनस टी स्क्वायर। अब देखो, डिफरेंशिएशन एटी, ए डिफरेंशिएशन टी की पावर वन, बी डिफरेंशिएशन टी की पावर टू, एफ डिफरेंशिएशन टी की पावर वन, डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर। अब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन टी की पावर एन को हम लिख सकते हैं एन टी एन माइनस वन। डिफरेंशिएशन टी की पावर वन को क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा 1t 1 माइनस वन, 1t की पावर 0 दैट इज 1। नाउ डिफरेंशिएशन t की पावर 2 को क्या लिखा जाएगा? t स्क्वायर लिखा जाएगा 2t 2 माइनस 1 दैट इज 2t। तो अब देखो क्या लिखेंगे हम, t की पावर 1 मतलब 1, t स्क्वायर मतलब 2t, तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 2t, t की पावर 1 मतलब 1, f माइनस आपके पास में 2t, माइनस आपके पास में 2t, हमें चाहिए केवल t की वैल्यू। तो हम t की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 2bt प्लस 2t f माइनस a, 2t कॉमन, b प्लस 1 f माइनस a, तो t आ जाएगा आपके पास में f माइनस a डिवाइड बाय 2 b प्लस 1। सो दिस विल बी द टाइम व्हेन बोथ विल हैव द सेम वेलोसिटी। एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटल बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँकेशेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव